जिला मुख्यालय धर्मशाला स्थित जिलाधीश कार्यालय में जिला की नगर परिषदों और नगर पंचायतों की सीटों के आरक्षण के लिए लॉटरी ड्रॉ निकाला गया। लॉटरी ड्रॉ प्रक्रिया की पूरी वीडियोग्राफी की गई। नगर परिषद कांगड़ा, नगरोटा, बागमा, पालमपुर, ज्वालामुखी, देहरा तथा नूरपुर और नगर पंचायत ज्वाली, बैजनाथ, पपरोला के सदस्यों की सीटों के आरक्षण के लिए लॉटरी ड्रॉ निकाले गए। नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्र के 3 प्रमुख व्यक्तियों और राज्य सरकार के 3 राजपत्रित अधिकारियों की उपस्थिति में ड्रॉ निकाले गए। डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि जिला कांगड़ा की 8 नगर परिषदों व नगर पंचायतों का आरक्षण रोस्टर लोगों के समक्ष वीडियोग्राफी से संपन्न किया गया। नप और नप के वार्डो में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। शाहपुर नगर पंचायत की घोषणा हुई, लेकिन इसी गेजेट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है। नगर निगम धर्मशाला का आरक्षण रोस्टर भी 30 अगस्त से पहले निकाल दिया जाएगा। आरक्षण रोस्टर को लेकर अभी तक कोई आपत्ति या सुझाव नहीं आया है। देखिए, जो हमारे 8 म्युनिसिपल काउंसिल और नगर परिषद हैं, बैजनाथ, पपरोला, पालमपुर, नगरोटा, बगुआ, कांगड़ा, देहरा, नूरपुर, ज्वालामुखी और ज्वाली, इनका जो रिजर्वेशन रोस्टर जो है लोगों के समक्ष और वीडियोग्राफी के मद्देनज़र जो संपन्न किया गया है, और आज शाम तक जो ये रोस्टर है इसका ऑर्डर भी निकाल दिया जाएगा। देखिए, इसमें कुछ 16-17 में कुछ कानून में जो है बदलाव आया था, और उसके मद्देनज़र क्योंकि 30 तारीख तक हमारे को आखिरी जो समय जो दिया गया है ये रिजर्वेशन रोस्टर निकालने के लिए, तो 30 तारीख से पहले ये जो रोस्टर है उसको भी निकाल दिया जाएगा। नहीं, क्योंकि उसके लिए कोई ड्रॉ ऑफ लॉट्स होने नहीं है। जो नए जो रूल्स हैं उसके हिसाब से कोई ड्रॉ ऑफ लॉट्स नहीं होना है, और पॉपुलेशन के बेस पर होगा और उसी क्राइटेरिया के हिसाब से फिक्स्ड है, तो उसमें कोई किसी को बुलाने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन 30 तारीख से पहले इसको निकालने के लिए बोला गया, तो उसके हिसाब से निकाल दिया जाएगा। फिलहाल तो अभी फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ एक शाहपुर में नई म्युनिसिपल काउंसिल की घोषणा जो हुई है, जब तक उसकी गजट नोटिफिकेशन नहीं हो जाती है तब तक उसमें फर्दर प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती है। जहाँ तक बात है एक पालमपुर एमसी को एक्सटेंड करने की बात है, तो फिलहाल के लिए पालमपुर एमसी का जो रोस्टर वो तो निकाल दिया गया है। आगे के जो फैसला होगा सरकार के माध्यम से, अभी तक कोई आपत्ति और कोई सुझाव नहीं आया है। बहुत शांतिपूर्वक जो पूरा प्रोसेस था बहुत ट्रांसपेरेंटली, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में संपन्न किया गया।